Hello and welcome to Motor World India. Netra, welcome back. Hello. After the Sonet IMT, we are yet again back. हम आपको आज चलाने देंगे the Mahindra XUV 700. ये इसका डीजल वेरिएंट है एंड वी वुड वांट यू टू एक्सपीरियंस इट एंड लेट अस नो कि एक लेडी का क्या एक थिंकिंग है या यू नो हाउ डज शी फाइंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स. इतनी बड़ी एसयूवी, फुल ब्लोन एसयूवी, एक्सयूवी 700 काफ़ी बिकी है, इट इज़ इन हाई डिमांड. आज भी इसका काफ़ी वेटिंग लिस्ट चल रहा है. ये डीजल ऑटोमेटिक है, लेट मी टेल यू, ये इंजन है 2.2 लीटर डीजल एंड ये बनाता है अराउंड अबाउट 180-183 PS ऑफ पावर. इसमें आपको काफ़ी सारा टॉर्क मिल जाता है. लेट्स गेट इन. ये रही चाबी ऑफ द एक्सयूवी एंड ऑल द बेस्ट. फर्स्टली आप तो दिख रहा होगा कि इसका जो डिस्प्ले है वो कानपुर से नागपुर है. इज द एक्सयूवी 700 जाना जाता है अपने डिस्प्ले के लिए, अपने कैबिन के लिए, अपने पैनोरमिक सनरूफ के लिए, एडास के फीचर्स के लिए. यू हैव एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक हैंड ब्रेक जो यहाँ पे है. काफ़ी सारे आपको जो सुख सुविधा बोलते हैं ना, जो कंफर्ट के फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, सेफ्टी के फीचर्स भी मिल जाते हैं. तो लेट्स गेट गोइंग एंड लेट्स चेक आउट द एक्सयूवी इन द हैंड ऑफ. आप ऑफ रोडिंग करते हैं? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. अच्छा, ये ऑफ रोडिंग नहीं है, ये एक एसयूवी ड्राइविंग है, लेकिन फिर भी हमारे रोड इतने अच्छे हैं कि इसको हम ऑफ रोडिंग ही कह सकते हैं. बट स्टिल एक काफी ह्यूज गाड़ी है ये. आपको डर लग रहा है इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हैं? नहीं, बल्कि बहुत इजी लग रहा है. इजी क्यों लग रहा है? जितनी बड़ी गाड़ी उतनी कंफर्टेबल और उतनी इजी. उतनी मे बी आई थिंक द जो इसका विजिबिलिटी है, जो स्टीयरिंग के पीछे का जो एक फील है, आई गेस ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स जो है इसका डिजाइन है वो आपको एक एट होम या कंफर्ट लेवल को एनहांस कर रहा है. ये इनका ट्राइड एंड ट्रस्टेड 2.2 लीटर जो एमहॉक डीजल इंजन है वो है, ये ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ में. आपको क्या रिएक्शन है? बहुत स्मूथ लग रही है. डीजल है फिर भी? फिर भी सस्पेंशन वगैरह सब अच्छा लग रहा है. लेकिन आप क्या प्रिफर करते हो, ऑटोमेटिक या मैनुअल, या फिर जो आपका पहला वीडियो था वो IMT वाला, वो What is IMT your preference? IMT was also very good. How is this? For a change, manual थोड़ा सा tough, hard लगता है. Hard because of traffic condition and comfort के level से. Automatic is always good. Correct. In traffic. Correct. तो XUV 700 का जो एक एक जो एक यू नो एक hype बन चुका है या एक नाम बन चुका है for its यू नो रोबस्टनेस. लोग यू नो मतलब इनफैक्ट मैंने देखा है कि काफ़ी से जो फीमेल्स हैं या जो एक जो ड्राइविंग न्यू सीख रहे हैं वो डरते हैं SUV चलाने से. आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, बल्कि मुझे बड़ी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है चलाने में. तो ट्रैफिक के बाद में आपको ये ट्रैफिक मिल रहा है यहाँ पे? हाँ. जो कि XUV में आप हैंडल कर रहे हो, कैसा है कम्फर्ट का लेवल? कैसा है कम्फर्ट लेवल? बहुत अच्छा है. आपको इसमें एडास का भी सेफ्टी फीचर्स मिलता है, जिसमें आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है. अगर आप कोई सामने की गाड़ी को पीछा कर रहे हो, लाइक यू हैव अपने लॉक कर दिया है आपका स्पीड, एंड जैसे वो गाड़ी फास्ट जाएगी आपकी गाड़ी फास्ट जाएगी, वो स्लो जाएगा आप स्लो जाओगे. ऑटोमेटिक ब्रेकिंग मिल जाता है, लेन कीप असिस्ट मिल जाता है. दुनिया भर के इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं इस वाले वेरियंट में, जो कि AX7 जो लग्जरी जो टॉप एंड वेरियंट है इसका, ऑटोमेटिक है, डीजल वेरियंट है. कैन यू लिव विद दिस कार? कैन यू ड्राइव इट ऑन डेली बेसिस? अभी आप टर्न कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी आपको कैसा लग रहा है? Like, steering heavy लग रहा है, इसका feedback बिल्कुल कैसा नहीं, है? बिल्कुल नहीं. It's fun, it's good, fun, comfort. Yeah. Incline चढ़ेंगे हम with the XUV. नेत्रा, आपको XUV 700 में बॉस बनना है या नहीं बनना है? बॉस बनना है तो आपको वहाँ नहीं, आपको यहाँ बैठना होगा, क्योंकि आपको इसमें बॉस मोड मिलता है. बॉस मोड चलता है ऐसे ही. दिस इज मुझे अगर इसको आगे करना है सीट को तो आपको नहीं बोलूँगा मैं इससे आगे करूँगा. एंड ये है बॉस मोड ऑन द XUV 700. कैसा ये फीचर? ये एडजस्ट करने के लिए thank you.
नेत्रा, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ यू नो गिविंग योर इम्प्रेशन अबाउट द XUV700. इसमें एडास के फीचर्स जो है वो मुझे काफ़ी सेफ फील करवाता है. तो आप ये गाड़ी एडवाइस करोगे फॉर लेडीज? हाँ, जरूर ये गाड़ी में एडवाइस. आपको कोई दिक्कत नहीं हुई इस गाड़ी में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. गाड़ी के साइज के हिसाब से, गाड़ी का जो डायमेंशन है, बहुत इजी लगता है. एंड आई एम श्योर कि आपको काफी सारा रास्ता मिला होगा. रिक्शा वाला है या टू व्हीलर्स है, गाड़ी का साइज देख के, डायमेंशन देख के आपको तुरंत रास्ता मिलता होगा. एनी नेगेटिव जो आपको लगी हो इस गाड़ी में? नथिंग नेगेटिव, ओनली फॉर सिटिंग इनसाइड गेटिंग डाउन इज लिटिल डिफिकल्ट. Difficult, but then that is the मजा of an SUV, right? तो वो आपको जो visibility मिलता है, वो आपको जो seating का poster मिलता है, वो command मिलता है, वो एक angle मिलता है, वो आपको गाड़ी की height की वजह से मिलती है. तो नेत्रा जी इसको recommend करेगी the XUV700 को ladies के लिए. It's a comfortable drive, it is a beast, but a friendly beast जब आप इसको चलाते हो. This is वेरी कम्फर्टेबल एंड सेफ SUV. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको नेत्रा का जो राय है वो अच्छा लगा है, तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमें ऑन मोटर वर्ल्ड इंडिया यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुपों में, अपने फैमिलीज में. एंड कीप वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया. दिस इज रितेश मधोक एंड नेत्रा साइनिंग ऑफ विद द XUV700. थैंक्स फॉर वॉचिंग.